नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और हदीस पाक सुनने अबू दाऊद शरीफ में और निसाई दोनों में मौजूद है। और हदीस के रावी कौन है? हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। जनाब उमर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के कुछ ऐसे बंदे भी हैं कि जो ना नबी हैं ना शहीद हैं, पर क़यामत के दिन नबी और शहीद उनके मकाम पर रश्क करेंगे। अल्लाह ताला उन्हें क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पे बिठाएगा। ये कौन बंदे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनको इतनी एहसास दिया गया? तो हुजूर फरमाने लगे ये वो बंदे हैं कि कोई दुनियावी लेन देन नहीं, कोई दुनियावी रिश्तेदारी नहीं, लेकिन ये एक दूसरे से प्यार करते थे, अल्लाह की रजा के लिए करते थे। नबी और शहीद भी इनके मकाम पे रश्क करेंगे, रब नूर के मिंबर देगा कयामत के दिन। और हुजूर फरमाते हैं इन पर ना कोई खौफ होगा ना ये गमगीन होंगे। और ये बात सारी बयान करके फिर हुजूर ने कुरान पाक की आयत पढ़ी, आला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, बेशक जो अल्लाह के दोस्त है ना उन पर कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। लेकिन पीछे हुजूर उनकी सिफत क्या बयान कर रहे हैं कि वो लिल्लाहियत वाले, वो खुलूस वाले।